हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एविल टैबलेट का फुल रिव्यू। आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा एविल टैबलेट हम कब यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करना चाहिए, इसके क्या साइड इफेक्ट है, क्या बेनिफिट है, ये सब चीज़ें आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। सो लीजिए स्टार्ट करते हैं। जो एविल टैबलेट है ये सैनोफी कंपनी का एक प्रोडक्ट है और इसका जो मेनली इन्ग्रीडियंट है वो है फिनरामीन, जो कि इसको यूज़ किया जाता है मेनली एंटी एलर्जिक मेडिकेशन के लिए। लाइक आपको बॉडी में इचिंग हो, रेडनेस हो, स्वेलिंग हो, खुजली हो, या कह सकते हो दाद हो या दाने दाने पड़ गए हो, इस तरह की आपको एलर्जी है तो उस कंडीशन में डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। और एक और कंडीशन होती है, अगर आपको सर्दी जुकाम या नाक से ज़्यादा पानी बह रहा है, किसी चीज़ से एलर्जी हो या आँख से ज़्यादा पानी निकल रहा है, तो ऐसी कंडीशन में भी डॉक्टर उसको प्रिस्क्राइब करते हैं। तो कंडीशन के अकॉर्डिंग इसको यूज़ किया जाता है, इसकी डोज एंड ड्यूरेशन जो होती है। और ये 2 mg में आपको मिल जाएगा, कि तो मेरे हाथ में जो है 25 mg का है और एक 50 mg का होता है। और बात करें इसके जो होर यूजेस की, इसको सेकंड जो है सबसे बड़ा यूज़ करने का जो रीज़न है वो है, आपकी बॉडी में अगर कोई मेडिसिन रिएक्शन कर जाती है तो उस एलर्जी को, रिएक्शन को ख़त्म करने के लिए एविल टैबलेट बहुत ही बेस्ट है। किसी भी तरह की मेडिसिन एलर्जी कर गई हो बॉडी में तो उसका रिएक्शन ख़त्म करने के लिए एविल टैबलेट यूज़ करते हैं सभी डॉक्टर। और देखा जाए तो ये आपको इजीली नहीं मिलने वाली किसी मेडिकल स्टोर पर विदाउट डॉक्टर की पर्ची या प्रिस्क्राइब के बिना। और कई जगह तो एविल टैबलेट बैन है। आप लोगों के नॉलेज के लिए बता दूँ, जैसे कि पंजाब हो गया, पंजाब में लुधियाना हो गया, या आप मुंबई कह सकते हो, ऐसी कुछ स्टेट है जहाँ पर ये बंद है, एविल आपको मिलने वाली ही नहीं है। और कुछ स्टेट ऐसी है जैसे यूपी हो गया, बिहार में भी बंद है, यूपी और कुछ स्टेट हो रहा है जहाँ पर ये आपको मिल सकता है, मिलने के चांस है ये भी डॉक्टर की पर्ची से। अदरवाइज़ तो ये आपको जहाँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं वहीं पर आपको एविल टैबलेट मिल सकती है, इसके अलावा आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। सो फ्रेंड्स, ये तो हो गए यूजेस। और इसकी जो मैं MRP का रिव्यू कर दूँ, बहुत ही चीप है, आपको 6 rupees में आपको 15 tablets मिल जाएगा। और बात करें इसके साइड इफ़ेक्ट की, साइड इफ़ेक्ट इसका कोई ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कॉमन सा साइड इफ़ेक्ट है। इसको लेने के बाद आपको नींद आ सकती है, और लेने के टाइम आपको ख्याल रखना है, इसको खाली पेट आप नहीं ले सकते, खाने के बाद इसको लेके यूज़ करें। और अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी यूज़ करें तो अपने डॉक्टर से एडवाइस ले लें इसको कैसे यूज़ करना। और एक और जो मस्ट है, आप इसको लेने के बाद आप अल्कोहल कंज्यूम नहीं कर सकते, अल्कोहल से बनी कोई भी चीज़ आप नहीं ले सकते, लाइक बियर भी नहीं, कोई भी चीज़ हो अल्कोहल नहीं लेना है आपको। सो इसको लेने के बाद आप ड्राइव भी नहीं कर सकते हो, इन सब चीज़ों का ख्याल रखना होता है। ये तो हो गया साइड इफेक्ट। अब बात करें इसकी डोज की, जो इसकी नॉर्मली डोज होती है ये 2 times चलती है, डॉक्टर कंडीशन देख के आपको बता देंगे कितने टाइम लेना है और कितने mg की डोज लेनी है। सो इस चीज़ के लिए आप अपने डॉक्टर से ज़रूर एडवाइस लें, इनके बिना, एडवाइस के बिना आपको इसकी डोज आप नहीं इसकी मेंटेन कर सकते। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो या आपके लिए हेल्पफुल हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो वो बिना सब्सक्राइब किए बिना मत जाइए, और मेरे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। अगर आपके माइंड में कोई भी सवाल या क्वेश्चन है या एडवाइस है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, तो मैं इसका रिप्लाई करूँगा। सो फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।